अच्छा जी डिस्कवर सिटी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जी। फाइनली लोगों के इस प्यार भरे मजमे में हमारे यान भाई अपना टैलेंट दिखा के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से हमारा सफर अबरार भाई की जानी रवा दवा है। हाँ भाई क्या देख रहे हो, आओगे व्लॉग में? और एक बच्चा हंसते हुए जा रहे, जाने दे। अच्छा हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। मेरे रांझना बता दे ना, हम यहाँ अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं। 12 किलोमीटर का सफर करके फाइनली हम ये मार्केट पर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन सामान है और अलग अलग बाइकें तो भाई आलिशान है। फाइनली जी हम लोकेशन पर आ चुके हैं। तकरीबन हमारे घर से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस था। इस बाइक की जी ब्रांड का जो नाम है बनेजी मोटर स्पोर्ट, यहीं पर अबरार भाई ने अपना मीटर अरेंज किया है। कल उनका लाहौर में मीटअप था मैकडोनल्स के अंदर, वो पूरा होने के बाद आज उनका कराची में मीटअप होने जा रहा है, तो हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम लोग काफ़ी दूर से 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते थे, खास तौर पर स्पेशली अबरार भाई से मिलने। अबरार भाई के व्लॉग को हम बहुत ज़्यादा पहले देखा करते थे, सऊदी वाले व्लॉग, पैलेस्टाइन वाले, लेकिन जब से इन्होंने इंडिया की सीरीज़ करी तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे मौजूद के तौर पर हमारे लिए साबित हुए। इन्होंने इंडिया में व्लॉग किया, एक पाकिस्तानी नेशन में होके इंडिया को एक्सप्लोर किया, काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा उनका इंतजार कर रहे हैं। टाइम 4:30 बज रहे हैं, 1.5 घंटे रह गए, तकरीबन 6 बजे उनका मीटअप था, तो सबको अबरार भाई से मिलने का इंतजार है। हम कोशिश करेंगे कि अबरार भाई को हम आपको दिखा सकें, क्योंकि आपको पता है क्राउड होगी, मुश्किल होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम अपनी पूरी से पूरी एफर्ट करेंगे कि अबरार भाई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकें और आपको दिखा सकें। आपको हमारे साथ लेना है और वीडियो आपने देखी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें। अभी हमारे 134 में 1000 का टारगेट है, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। हम इसी तरीके की मजीद वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। आपकी सब्सक्राइब की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं काफ़ी हेवी किस्म का क्राउड हो गया है। आप देख लें इब्रार भाई के इंतज़ार के लिए काफ़ी लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। जब इब्रार भाई आएंगे हम आपसे ज़रूर मिलाएंगे। अबरार भाई का जो मीटअप है तकरीबन शाम के 6 बजे, और अभी अबरार भाई को आने में आधा घंटा है, लेकिन रश लगना शुरू हो चुका है। लोग यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं, यहाँ पे लाइन लगा के अबरार भाई से मिलेंगे ताकि मीटअप में कोई परेशानी ना हो। अदान तो अदील भाई की जो फोटो से खींच लो, बहुत ही अब्राहम भाई कराची कैसा लगा?
कराची कराची है थैंक यू सो मच अब्राहम भाई थैंक यू टिकट नहीं चल रहा अंदर में अब्राहम भाई जावेद नियारी कैसी लगी अब्राहम भाई गोशन अली बिरयानी कौन है अब्राहम भाई का मीटअप स्टार्ट हो चुका है हम लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं अब देखना ये इस रश में हमारी बारी कब आती है आपको कैसे लगे बहुत अच्छे लगे कौन सा शेर आपको अरे अच्छा जी डिस्कवर सिटी को सब्सक्राइब इस टाइम जो है हमारे अब्राहम भाई अपने मीटअप में मसरूफ है काफी लोग उनसे मीटअप चल रहे हैं काफी सवाल जवाब चल रहे हैं यहाँ पे काफी रश लग चुका है और आप सबके प्यारे अयान भाई अपना टैलेंट दिखा के अंदर आ चुके हैं मिले अयान भाई तुम्हारा भाई देखो फाइनली आ चुका है अब्राहम भाई से मिलने के लिए होपफुली जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलता है आपसे अगली वीडियो में एक नए सफर को लेके तब तक के लिए दीजिए इजाजत देखते रहें डिस्कवर सिटी अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।